अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर वाकई से होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरी मैचिंग का वॉल है और मैं भी ब्लू, ये भी ब्लू। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो इस वक्त हम हैं शमा टिक्का हाउस में, पानी है सब। शमा टिक्का 8 नंबर में नहीं 7 नंबर पानी की बोतल। हम वहाँ आए हैं, आप देख सकते हो मेरे बैग पे बड़ा ज़बरदस्त इन लोगों ने डेकोरेट किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत पेपर मुझे देख सकते हो, इसको मैं देती हूँ 10 में से 9 नंबर। और ये हमारे अभी ये बिजी हैं देखने में कि कोई आ रहा है तो कैसा आ रहा है। तो हम लोग ऊपर बैठे थे, वहाँ पे एसी नहीं था, तो इनको थोड़ी सी गर्मी लगने लग गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने विंडो ओपन किया और बहुत माशाल्लाह ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का व्यू और वॉलपेपर, चेयर्स, ऑरेंज ब्लू कॉन्ट्रास्ट, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया। ये मेरा बैग है, मेरा मास्क है और ये मैं हूँ। अच्छा, मेरा ना बार बार दिल चाह रहा था कि मैं जो है ये वॉल देखती रहूँ, और ये जो है बहुत ही अच्छी लग रही थी, मुझे अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन मेरे साथ कोई था नहीं जो मेरी पिक्स लेता। हबी जी को ऐसा कोई शौक़ है नहीं, उन्होंने मतलब ऐसा कोई शौक़ मेरे आगे पाला ही नहीं है, मुझे रखा ही नहीं है इस तरह से कि वो मैं उनसे बोलूं मेरी पिक्स ले दीजिए, लेकिन उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर से, सब्सक्राइबर से और फैमिली से शेयर करूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और ये है शमा टिक्का हाउस, आपको मैं दिखा रही हूँ, 7 नंबर में वाकया है। बहुत यमी टेस्टी फूड होता है यहाँ का। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अच्छा, इससे ऊपर भी एक बना हुआ था, लेकिन वहाँ पे ना खुला आसमान था और थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे आके बैठने को मुनासिब समझा। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह का बना हुआ है, आप देख सकते हो। मैं वहाँ पर आपको दिखाने के लिए आई थी, लेकिन वहाँ पे फ़ीमेल्स बैठी थी तो मैं वापस आ गई। अच्छी बात नहीं होती किसी की फ़ीमेल को ऐसे और मीडिया पे लाना। जब मैं अपना फ़ेस शो नहीं कर रही फ़िलहाल, तो मैं किसी और के फ़ेस को क्यों शो करूं। तो हमने ऑर्डर दे दिया था, हमारा सैलड आ चुका था, ये मेरा बैग है, मेरा मास्क है। ये हबी जी को गर्मी लग रही थी, खिड़की खोल रहे हैं, नज़ारे कर रहे हैं और हमें बहुत मज़ा आया। मुझे तो भाई बहुत मज़ा आया, मुझे तो ये जो व्यू था बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था माशाल्लाह। तो आप लोग भी आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना ना भूलो, कमेंट करना ना भूलो। होप करती हूँ कि आपको ये आज की वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। खाना आ चुका है, यमी यमी माशाल्लाह लवली। यहाँ का खाना टिक्का और बोटियाँ बोनलेस और गोला कबाब, सीख कबाब, वर्ल्ड बेस्ट का खाया, पाकिस्तान का खाया, पाकिस्तान टूर पे गए, लेकिन यहाँ का जो है ना टेस्ट वो कहीं नहीं मिला मुझे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हैदराबाद में एक जगह ऐसी है जहाँ मैं 100 में से 100 मार्क्स दूंगी। और आप लोग भी आइए, खाइए, आप लोग भी इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करोगे। अब मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कर रही हूँ, आप लोग कहते हो खाना नहीं खाते हुए दिखाते, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं खाना इंजॉय करूँगी, फिर आपसे बाद में दिखाती हूँ आपको। तो वहाँ मैंने हबी जी को दे दिया है, यहाँ मैंने ले लिया है बिकॉज़ वो रायता खाते हैं और मैं ये रेड वाली चटनी खाती हूँ बिकॉज़ मैं चिली खाती हूँ और वो ज़रा फीका फीका खाना पसंद करते हैं। खाना खा लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इससे हमें सराहना होती है और हम आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये हम बाहर जब निकले हैं तो आप देख सकते हो हम नीचे उतर रहे हैं, और क्योंकि हम ऊपर थे तो नीचे उतर रहे हैं। और जो है आप देख सकते हो नीचे उतरना था, उसके बाद जो मियाँ जी आगे चल रहे हैं और हम पीछे चल रहे हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं हमारे सैंडल्स, ये सैंडल्स। और आज हमने मैचिंग का नेल कलर भी अप्लाई किया हुआ है और अब हम जा रहे हैं बाहर आके, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी फैमिलीज थी, तो फिर हम जब बाहर आए तो हमें ये दिखी मुर्गियाँ कुकड़ों को। तू आ गया क्या? यहाँ पर भी हमें किटी जी मिल चुकी हैं और यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।